बेसिक क्वांटिटीज और डायरेक्ट क्वांटिटीज के बारे में बात की थी और उनके यूनिट्स के बारे में भी बात की थी। आज हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि ना तो बेसिक यूनिट्स होते हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स। मीन्स ये कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो ना तो बेसिक क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं और ना ही ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं, बल्कि ये दोनों कैटेगरी से एक अलहदा कैटेगरी में आती है जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो हैं और इनके दो ही यूनिट्स हैं। ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, एक जो है प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसे हम लोग रेडियन बोलते हैं और इसे आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका जो यूनिट है वो स्टेयर रेडियन कहलाता है और स्टेयर रेडियन को हम लोग एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये रेडियन और ये स्टेयर रेडियन क्या है। रेडियन जो है, रेडियन एक ऐसा प्लेन एंगल है जो उस वक्त फॉर्म होता है, ये एक प्लेन एंगल है, ये उस वक्त बनता है सर्कल के सेंटर पर जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो अपना जो है डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करे सर्कल के ऊपर और अपना डिस्प्लेसमेंट इस तरह से करे कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एक आर की फॉर्म में जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाए। इस तरीके से अगर मैं इसे बनाऊँ तो इस तरीके से इसे देखा जा सकता है कि जाहिर सी बात है कि वो बॉडी सर्कल के ऊपर ही मूव कर रही है। ये अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल के ऊपर यहाँ से बॉडी ने अपना डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँची, तो इसके ऊपर मूव करते हुए उसने जो सर्कल है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक आर्क के फॉर्म में डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया और यहाँ पर एक एंगल बनाया है सेंटर पर। इस हिस्से की जो लेंथ होती है ये हमारे रेडियस आर के बराबर होता है, यानी रेडियन एक ऐसा एंगल होता है जो सेंटर पर बनता है जब कोई भी बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट एक आर्क के फॉर्म में ट्रैवल करे और वो आर्क जो है वो दायरे के सर्कमफेरेंस के ऊपर बने और उसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो उसके रेडियस आर के इक्वल हो, तो इसे हम लोग रेडियन बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में ट्रैवल करेगी तो वो सेंटर पर कोई ना कोई एंगल बनाएगी और वो एंगल जो है रेडियन कहलाता है। एक जो रेडियन होता है वो इस तरह से ऑब्टेन किया जाता है कि एक सर्कल के अंदर हमारे पास 360 डिग्री एंगल्स होते हैं और जब हम इसे 2π पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 57.3 डिग्री आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो एक रेडियन है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह जो स्टे रेडियन है, स्टे रेडियन जो है एक सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का यूनिट है। ये उस वक्त फॉर्म होता है जब कोई, ये भी सर्कल के ऊपर ही, मीन्स कि एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास और उसके ऊपर इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही है, यानी कि थ्री डायमेंशन में, जैसे कि इसे अगर इस तरह से बनाया जाए, तरीके से कोई बॉडी इसके ऊपर रोटेट करे इस तरह से कि उसका जो ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो आर स्क्वायर हो, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया है वो दायरे के जो, दायरे का जो रेडियस होता है उसके स्क्वायर के इक्वल हो। ये काम करते हुए इस तरह से अगर वो प्रोसीड कर रहा है और सेंटर पर कोई एंगल बना रहा है तो उस वक्त जो एंगल होगा उसे हम लोग स्टे रेडियन बोलते हैं। एक जो स्फीयर होता है, एक स्फीयर के अंदर 4π स्टे रेडियन होते हैं, 4π स्टे रेडियन जो के बराबर होते हैं 12.57 रेडियन के। यानी कि अगर कोई भी बॉडी, अगर इसे आप 3D में देखें, या तो मैंने 2D में बनाया है, जब इस आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको जस्ट लाइक कौन नज़र आएगी इसके स्फीयर के ऊपर मूव करते हुए, और इस सिचुएशन में इसका जो ये सरफेस एरिया है ये इस तरह से दायरे के ऊपर मूव कर रही है कि दायरे के सेंटर के साथ एंगल भी बना रही है और इसका जो सरफेस एरिया है वो आर स्क्वायर होता है। मीन्स के सरफेस एरिया आर स्क्वायर होने का मतलब ये है कि इस साइड की भी जो लेंथ है, वो दायरे का रेडियस है वो आर है और ये वाली साइड भी आर है, मीन्स के आर स्क्वायर जो है उसका सरफेस एरिया हो जाता है। तो जो स्टे रेडियन और रेडियन है इसमें बेसिकली फ़र्क ये आता है कि रेडियन में जो लेंथ होती है वो आर, सिर्फ एक आर रेडियस के इक्वल होती है,
जबकि स्टे रेडियन में जो सॉलिड एंगल बनता है स्फेयर के ऊपर वो उसका जो सरफेस एरिया है वो आर स्केयर होता है, मींस के वो दायरे के जो रेडियस है उसके स्केयर के इक्वल होता है, यानी कि उसका सरफेस एरिया आर स्केयर हो जाता है, जबकि रेडियन में सिर्फ उसकी लेंथ आर के इक्वल आती है, आर स्केयर के इक्वल नहीं आती। इसके अलावा फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन का मतलब ये है कि फिजिक्स में एक ऐसी इस्तलाह, एक ऐसी टर्म जिसकी बेस पे हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को इस स्केयर सिंबल के अंदर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को कैपिटल लेटर में इस स्केयर के अंदर लिख के रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो डायमेंशन कहलाता है। जैसे कि स्पीड, फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड है, स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब जो मीटर है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ के लिए कैपिटल एल, और जो एस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम के लिए कैपिटल टी। इसे अगर मैं इस तरह से लिखूँ स्केयर ब्रैकेट के अंदर, अगर मुझे डायमेंशन शो करनी हो तो ये एल, टी नीचे था, टी ऊपर आएगा तो टी माइनस वन, टी माइनस वन, और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से जो लिखने का सिस्टम है इसे हम लोग कहते हैं कि ये डायमेंशंस है, मींस के डायमेंशन में ये होता है कि मीटर के लिए हम लोग कैपिटल एल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको याद है कि बेसिक क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ रखा है कि जो लेंथ है वो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, इसलिए लेंथ एल से स्टार्ट होता है, तो हम लोग सिर्फ एल ले लेते हैं डायमेंशन के अंदर। सिमिलरली जो टाइम का यूनिट है वो सेकेंड है, तो जब बेसिक क्वांटिटी के यूनिट लिखते हैं तो हम मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें डायमेंशन में कन्वर्ट करना होता है तो ये यूनिट जिस बेसिक क्वांटिटी से हासिल किए जाते हैं हम उन बेसिक क्वांटिटीज़ के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखकर डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उन लेटर्स को हम लोग लेते हैं सिर्फ पहले कैपिटल लेटर को और उसे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो ये लिखने का तरीका हमारे पास डायमेंशन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि डायमेंशन हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। डायमेंशन जो है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में इस्तेमाल होने वाली बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है, ये पहली बात होगी। इसके अलावा हमें ये बताता है कि कोई इक्वेशन किस हद तक करेक्ट है, यानी कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बताता है। इसके अलावा किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस भी हमें डायमेंशन के थ्रू पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखने के लिए कि डायमेंशन किस तरह से प्रूफ करती है कि कोई फार्मूला या कोई इक्वेशन राइट है, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम के लिए वो 2π अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k है। लेट्स से कि ये हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल ले ली। अब टाइम का यूनिट अगर देखा जाए इस लेफ्ट हैंड साइड पर तो सेकेंड है, और अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ तो 2π हमारे पास कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट के साथ ही जो एक अंडर रूट है, इस अंडरवुड में मैस है, मैस का यूनिट हमें मालूम है कि हमारे पास kg है, और नीचे हमारे पास k है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकाला था तो वहाँ एक बात मेंशन की गई थी कि जो k जो है वो न्यूटन पर मीटर के इक्वल होता है। न्यूटन पर मीटर जो है वो k का यूनिट है, यानी कि k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है। अगर मैं इसका भी यूनिट यहाँ पर लिख लूँ न्यूटन पर मीटर, तो आगे मेरे पास यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, ये 2π अंडरहुड के अंदर जो यहाँ पर kg, और न्यूटन के बारे में आपको पता है कि जो न्यूटन है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि फोर्स इंटू एक्सेलरेशन से हमारे पास ये यूनिट निकल आता है। तो अगर मैं वो चीज़ यहाँ पर लिख दूँ जैसे कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर जो है मैं ऊपर कन्वर्ट कर दूँ तो ये मीटर आ जाएगा। अब ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये मीटर स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर सेकेंड है। अब ये स्क्वायर इस अंडरवुड को कैंसिल कर देता है और यहाँ पर मेरे पास सेकेंड आ जाता है इंटू 2π, और यहाँ पर सेकंड है। अब 2π तो कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट को अगर निगलेक्ट करें तो यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। तो इस तरह डायमेंशन को इस्तेमाल करने से डायमेंशन जो है हमें ये बताती है कि किस हद तक फार्मूला जो है वो करेक्ट है। अब आगे अगर मैं इस चीज़ को डायमेंशन में रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट और इज इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे,
और जो सेकंड के लिए डायमेंशन यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी कैपिटल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी। इसका मतलब है ये जो फार्मूला है टाइम पीरियड का कि टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, टाइम पीरियड है जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्प्रिंग के लिए वो बिल्कुल एक्जैक्ट है, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है प्रूव हो जाती है, डायमेंशन बोथ साइड पे इक्वल आती है। इसका मतलब है ये फार्मूला करेक्ट है। तो इसी तरह से जो डायमेंशंस हैं हमें ये बताती हैं कि कोई फार्मूला किस हद तक करेक्ट है, कोई इक्वेशन किस हद तक करेक्ट है, और इसके अलावा किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फार्मूला में जो डायमेंशन, जो बेसिक क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं वो कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी हैं, उनकी डायमेंशन क्या हैं, ये सब कुछ हमें डायमेंशन से पता चलता है। इस तरह से आप किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस वगैरह बता सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपके पास वेलोसिटी हो, या अगर आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर पर सेकंड है। इसे अगर आपने डायमेंशन में लिखना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और मीटर के लिए आप यहाँ पे एल लगाएंगे और सेकंड के लिए टी माइनस वन कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको फोर्स का करना है तो आपको मालूम है कि फोर्स जो है वो न्यूटन है, और न्यूटन जो है वो इक्वल होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अगर मैं इस चीज़ को डायमेंशन में लिखूं तो मुझे सबसे पहले ये कर लेना चाहिए आसानी के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। केजी चूँकि मास का यूनिट है तो यहाँ पर मुझे कैपिटल एम लिखना चाहिए। एम जो है वो मीटर के लिए लगाया जाता है, मीटर जो है वो बेसिक क्वान्टिटी लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ पर कैपिटल एल आना चाहिए। और जो s माइनस टू ये सेकेंड है, मीन्स ये कि ये टाइम का बेसिक क्वांटिटी टाइम का यूनिट है, तो यहाँ पर t आना चाहिए। और जितनी पावर यहाँ पर लगी हो माइनस टू, उतनी ही पावर यहाँ पर लगा देनी चाहिए माइनस टू, तो ये मेरे पास फोर्स की डायमेंशन आ जाती है। इसी तरह अगर आपको किसी और चीज़ की, लेट्स से कि पावर की आपको चाहिए, पावर की आपको डायमेंशन मालूम करनी है, तो पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है। और आपको ये भी पता है कि जो पावर है उसकी उसका जो यूनिट है वो इस तरह से है के जी मीटर स्क्वायर, और s माइनस थ्री इसका यूनिट होता है। अगर इसे मुझे डायमेंशन में लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो है के जी के लिए यहाँ पर कैपिटल m, मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा l के ऊपर स्क्वायर, और s-3 के लिए टाइम के ऊपर -3। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए उनकी डायमेंशन इजी तरीके से लिख सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। हर यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो बेसिक क्वांटिटीज़ से ही बनती हैं। जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपके पास हैं वो सब की सब बेसिक क्वांटिटीज़ से बनते हैं, और उनके यूनिट भी। सो इसीलिए हम जो इन सब क्वांटिटीज़ के अंदर सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो उनकी बेसिक क्वांटिटीज़ का सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है ये हमारे पास डायमेंशन कहलाता है।